डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में घास के मैदान से घिरा और पहाड़ पर बना एक पौराणिक मंदिर है, जिसका नाम है बिजली महादेव मंदिर। इस पौराणिक मंदिर के नाम के पीछे भी एक रहस्य है। कुछ पौराणिक कथाएं और मान्यताएं भी हैं। ब्यास और पार्वती नदी के संगम के पास ऊंचे पहाड़ पर भगवान शंकर के इस रहस्यमय मंदिर की गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। दरअसल यहाँ के लोग मानते हैं कि हर 12 साल के बाद इस मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरती है, बावजूद इसके मंदिर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। इसके पीछे कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं, जिनके अनुसार ये मंदिर जिस घाटी में है वो सांप के रूप में है और भगवान शंकर ने इस सांप का वध किया था। इस मंदिर पर हर 12 साल में एक बार भयंकर आकाशीय बिजली गिरती ही है। इस बिजली के गिरने से शिवलिंग खंडित हो जाता है, लेकिन यही एक रहस्य है कि शिवलिंग टूटने के बाद फिर से कैसे ठोस आकार ले लेता है। हालांकि मान्यता है कि शिवलिंग खंडित होने पर मंदिर के पुजारी मरहम के तौर पर मक्खन लगाते हैं, ताकि शिवजी को लगी चोट में राहत मिले। मंदिर से जुड़ी ही एक और पौराणिक कथा ये बताती है कि यहाँ एक कुलांत नाम का राक्षस रहता था, जो अपनी शक्ति से सांपों का रूप ले लेता था। एक बार इस राक्षस ने अजगर का रूप ले लिया और यहाँ के मथाण गांव के पास ब्यास नदी में कुंडली मारकर बैठ गया। नतीजा ये कि नदी का प्रवाह रुक गया और पानी वहीं पर बढ़ने लगा। ये सब करने के पीछे कुलांत राक्षस का मकसद था, यहाँ रहने वाले सभी प्राणी पानी में डूबकर मर जाएंगे। लेकिन ये सब होता देख शंकर भगवान नाराज हो गए। उनको एक युक्ति सूझी और राक्षस कुलांत के पास जाकर बोले कि तुम्हारी पूंछ में आग लगी है। ये सुनकर वो महादेव की बातों में आ गया और उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो शिवजी ने त्रिशूल से कुलांत के सिर पर वार कर उसका वध कर डाला। मान्यता है कि राक्षस कुलांत का विशालकाय शरीर ही पहाड़ में तब्दील हुआ, जिसे आज हम कुल्लू के पहाड़ कहते हैं। पौराणिक कथा ये भी है कि भगवान शिव ने कुलांत का वध करने के बाद इंद्र से कहा कि वो हर 12 साल में वहां आकाश बिजली गिराए, ताकि वो खुद बिजली के झटके को सहन कर यहां के जनधन की हानि न होने दें। फिलहाल तो इन्हीं कुछ पौराणिक मान्यताओं और कथाओं के बीच हर 12 साल में बिजली गिरने से मंदिर समेत पूरे गांव को नुकसान पहुंचता है, लेकिन फिर भी बिजली महादेव के प्रति लोगों की आस्था यहां बेहद ज्यादा है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com